दोस्तों, दुनिया भर में कितनी ही किताबें हैं जो खूबसूरती पर लिखी गई होंगी। कई भाषाओं में, कई देशों में खूबसूरती की अपनी अपनी अलग परिभाषा भी होगी, लेकिन दुनिया की किसी भी किताब में मर्दों को खूबसूरत या फिर उनकी खूबसूरती पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। सदियों से औरतों की खूबसूरती के बारे में बड़े से बड़े लेखक शायरों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ औरतें ही खूबसूरत होती हैं। पूरी दुनिया में कई ऐसे पुरुष भी हैं जिनकी खूबसूरती के आगे कई महिलाएं फेल हो जाती हैं। दोस्तों, महिलाएं खूबसूरती की मिसाल होती हैं, लेकिन पुरुष भी कुछ कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस खूबसूरत होते हैं, बल्कि यहाँ पर दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले ऐसे पुरुषों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी खूबसूरती के आगे कई महिलाओं की खूबसूरती भी पानी भरती नजर आती है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के 10 हैंडसम आदमियों में शामिल आखिर कौन है वो भारतीय अभिनेता जिसकी खूबसूरती की कायल पूरी दुनिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुनिया में महिलाओं की खूबसूरती को सराहने के लिए उनकी तुलना चांद, फूल, तारे और भी ना जाने किन किन चीजों के साथ की जाती रही है, लेकिन जितना भी मौका मिलता है उसमें पुरुष अपनी खूबसूरती के जलवे इस कदर बिखेर जाते हैं कि दुनिया को अपना कायल बना लेते हैं। कई मैगजीन ने दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़कों की रैंकिंग जारी की है। इनमें से 10 मोस्ट हैंडसम मेंस की बात करें तो हम आज यहाँ इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको 10 ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी का खिताब किसके पास है? वैसे तो ये टॉपिक एक बहस का मुद्दा बन चुका है, लेकिन बावजूद इसके कुछ मैगजीन ने अपने मोस्ट हैंडसम मेंस की सूची निकाली है। नंबर 1, रॉबर्ट पैटिंसन। इस सूची में पहले नंबर पर आते हैं हॉलीवुड के जाने माने एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन। आपने ट्विलाइट मूवी तो जरूर देखी होगी। उस मूवी के किरदार वैम्पायर से ही भी भली भांति परिचित होंगे। ट्विलाइट में निभाए गए वैम्पायर के किरदार ने रॉबर्ट पैटिंसन को रातों रात स्टार बना दिया। द टेलीग्राफ की 10 सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में ट्विलाइट फिल्म से हुई $10 मिलियन की आय के साथ पैटिंसन को 10वां स्थान दिया गया था। इसके अलावा वो हाई लाइफ और गुड टाइम जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वैज्ञानिक आधार पर ट्विलाइट सीरीज के एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन को इस साल सबसे हैंडसम पुरुष में से एक चुना गया था। गोल्डन रेशो ऑफ ब्यूटी 5 पर रॉबर्ट को 92.15% वोट मिले थे। वहीं पीपल पत्रकारिता द्वारा 2008 में और ग्लैमर द्वारा 2009 में कराए गए एक सर्वेक्षण में उन्हें सर्वाधिक सेक्सी जीवित पुरुषों में से एक नामित किया गया था। नंबर 2, क्रिस इवांस। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स फिल्म सीरीज में कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाने के लिए पूरे दुनिया में मशहूर क्रिस इवांस हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मेंस की लिस्ट में नंबर 2 पर। क्रिस इवांस का पूरा नाम क्रिस्टोफर रॉबर्ट इवांस है। इनका जन्म 13 जून 1981 को बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था। क्रिस इवांस ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में एक टीवी सीरीज से की। उसके बाद 2001 में नॉट अनदर टीन मूवी सहित कई टीन एज की फिल्मों में काम किया। अपनी कातलाना मुस्कान, नीली आंखों और आकर्षक व्यक्तित्व की बदौलत ही उन्हें 2023 में दुनिया के टॉप हैंडसम मेंस की लिस्ट में शामिल किया गया। हैंडसम होने के साथ साथ वह एक कमाल के एक्टर भी हैं। फिल्मों में उनकी उम्दा एक्टिंग के लिए उन्हें बड़े बड़े पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया जा चुका है और उन्होंने एमटीवी पुरस्कार, किड चॉइस अवार्ड और पीपल्स चॉइस अवार्ड सहित कई सारे पुरस्कार अपने नाम किए हैं। नंबर 3, ऋतिक रोशन। दोस्तों, जरा सोचिए इस लिस्ट में हमारे इंडिया से कोई आदमी भी हो तो आपको कैसा लगेगा। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो हैंडसम हंक है उनका नाम सुनकर न सिर्फ आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी बल्कि गर्व से सीना भी चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ, इस लिस्ट में हिंदुस्तानियों का गौरव बढ़ा रहे भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन को कौन नहीं जानता। अपने हॉट लुक्स और किलर डांसिंग मूव्स से किसी का भी दिल घायल कर दे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। ऋतिक की फिजिक्स भी काफी अट्रैक्टिव है। ऋतिक ने अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और 1980 के दशक में ऋतिक ने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। ऋतिक बॉलीवुड के सबसे सफल एक्टर्स में से एक है। ऋतिक ने अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। नंबर 4, किम हैक्यूंग। दुनिया के टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मेंस की लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं साउथ कोरिया के म्यूजिकल बैंड बीटीएस के मशहूर सिंगर किम हैक्यूंग। किम की प्रसिद्धि एशिया में लगभग हर देश में है और दुनिया में उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। बीटीएस म्यूजिकल का क्रेज लोगों में इतना है कि बैंड के प्रशंसक खुद को बीटीएस आर्मी कहते हैं। एक अभिनेता होने के अलावा किम हैक्यूंग एक गायक, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता है। उनका जन्म दक्षिण कोरिया के डेंगू के SEO जिले में हुआ था। 2013 में अपने संगीत करियर की शुरुआत करने के बाद से वह 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे सुंदर पुरुषों में से एक है। उन्होंने स्वीट नाइट 4, ओ क्लॉक, इवन इफ आई डाई इट्स यू, सीनरी सहित कई सुपरहिट सॉन्ग्स गाए हैं। नंबर 5, टॉम हॉलैंड।
हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है स्पाइडर मैन सीरीज में काम करने वाले हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड का। आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के छोटू को भला कौन नहीं जानता। टॉम हॉलैंड का जन्म 1 जुलाई 1996 को इंग्लैंड के एक मशहूर शहर किंगस्टन अपॉन थेम्स में हुआ था। उनके पिता का नाम डोमिनिक हॉलैंड है और वो एक हास्य अभिनेता होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े लेखक, बीबीसी में बतौर प्रसारक के रूप में उन्होंने काम किया था। बहुत ही कम उम्र में लंदन में थिएटर वेस्ट एंड में अपने अभिनय से टॉम ने अपने करियर की शुरुआत की थी। टॉम हॉलैंड का पूरा नाम थॉमस स्टैनली हॉलैंड है। टॉम ने मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की फिल्में एवेंजर्स एंड गैम, स्पाइडरमैन इन होमकमिंग एंड फार फ्रॉम होम, कैप्टन अमेरिका इन एवेंजर्स सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्मों में काम करते हुए दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई है। नंबर 6, डेविड बेकहम। आप में से जो लोग फुटबॉल देखना और खेलना पसंद करते हैं उन्हें ये नाम बड़ी अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि फुटबॉल ना देखने वालों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के सिवा किसी अन्य फुटबॉलर का नाम नहीं पता होगा। डेविड बेकहम एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं और मोस्ट हैंडसम मेंस की लिस्ट में उन्होंने कई एक्टर्स को पछाड़ कर अपनी जगह बनाई है। डेविड बेकहम के नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 100 से अधिक गोल करने का शानदार रिकॉर्ड दर्ज है। डेविड बेकहम एक अंग्रेज फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो फिलहाल अमेरिकन मेजर लीग सॉकर क्लब और लॉस एंजल्स गैलेक्सी और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए मिडफील्डर के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका मिडफील्ड में खेलते हैं। उनके समय के दौरान यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग खिताब 6 बार, FA कप 2 बार और 1999 में UEFA चैंपियंस लीग जीता था। नंबर 7, इद्रिस एल्बा। इद्रिस एल्बा, जिसे इद्रिसा एकुना एल्बा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक हॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर और म्यूजिशियन है। 2022 तक इद्रिस एल्बा की कुल संपत्ति $40 मिलियन थी। उन्हें ड्रामा फिल्म डैडीज लिटिल गर्ल्स में मोंटी और हॉरर फिल्म 28 वीक्स लेटर में जनरल स्टोन की भूमिका के लिए जाना जाता है। फिल्मों में उनकी उम्दा कलाकारी के लिए कई बार उन्हें नॉमिनेट किया गया है, जिसमें एसेंस का वार्षिक सेक्सिएस्ट मैन ऑफ द ईयर भी शामिल है। साल 2023 की टॉप हैंडसम मेंस की लिस्ट में इद्रिस एल्बा 7 नंबर पर हैं और इनकी उम्र 50 वर्ष है। पूरी दुनिया में फिल्म प्रेमियों द्वारा पसंद किए जाने वाली फिल्मों और टेलीविजन शो थॉर द डार्क वर्ल्ड, थॉर रैगनरोक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी इद्रिस एल्बा काम कर चुके हैं। इनमें HBO पर द वॉयर और BBC 1 सीरीज लूथर भी शामिल है। नंबर 8, जस्टिन ट्रूडो। एक्टर्स के साथ कम्पीट करते हुए इस लिस्ट में 8 नंबर पर दुनिया के सबसे हैंडसम मैन्स में शामिल है कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो। क्रिसमस के दिन 1971 को जस्टिन का जन्म हुआ था और 2 साल बाद 1973 में उनके छोटे भाई अलेक्जेंडर का भी उसी दिन जन्म हुआ। ट्रूडो मुख्य रूप से स्कॉटिश और फ्रेंच कनाडाई मूल के हैं। उनके दादा जेम्स सिंक्लेयर का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। जस्टिन ट्रूडो प्यारी मुस्कान, प्यारा व्यवहार रखने के साथ साथ वह एक शानदार व्यक्ति भी है जो लोगों के लिए अपने दिलों में प्यार रखते हैं। एक राजनेता बनने से पहले जस्टिन ट्रूडो हाई स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने फ्रेंच थिएटर और गणित पढ़ाया है। जस्टिन की पत्नी सोफी उनके छोटे भाई मिशेल की सहपाठी और मित्र थी, जिनकी 1998 में हिमस्खलन में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मॉन्ट्रियल में ट्रूडो के घर पर काफी समय बिताया है। नंबर 9, ब्रैडली चार्ल्स कूपर। हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पर शामिल है एक्टर ब्रैडली चार्ल्स कूपर, जिन्हें ऋतिक रोशन का हमशक्ल भी कहा जाता है। ब्रैडली लिमिटलेस, अमेरिकन स्पिनर और स्टार इज बोर्न सहित कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके हैं। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए ब्रैडली ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। पीपल मैगजीन की सेक्सिएस्ट मैन अलाइव की सूची में वो अक्सर शामिल होते हैं। द हैंगओवर फिल्म में दिखाई देने के बाद कूपर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली। वह गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ग्रूट को अपनी आवाज देने के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 10, जैक एफ्रोन। प्रियंका चोपड़ा की पहली हॉलीवुड फिल्म में उनके साथ काम करने वाले हॉलीवुड एक्टर जैक एफ्रोन इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं। जैक एफ्रोन हाई स्कूल म्यूजिकल फ्रेंचाइजी से फेमस हुए। वह महज 11 साल के थे तब उन्होंने एक अभिनेता और गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में कई टेलीविजन शो में गेस्ट के रूप में अपनी ऑफिशियल शुरुआत की थी। जैक एफ्रोन हॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। जैक की फैन फॉलोइंग लंबी है और अगर हम कहें कि उनकी हर फीमेल फैन उन्हें डेट करना चाहती है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये थे दुनिया के सबसे हैंडसम मैन्स की लिस्ट जो सिर्फ अभी जारी की गई है, लेकिन 2023 के लिए वोटिंग होना अभी बाकी है। कोई भी किसी भी वक्त बाजी मार सकता है। इस लिस्ट में एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इनोसेंस, पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव लुक और हॉटनेस के साथ लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आप इसमें से किसके फैन है और किसकी खूबसूरती के कायल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।